सर छोड़ कर दीजिए, आप बैठिए ना सर, नहीं बैठिए प्लीज, नहीं मुझे जी बैठिए ना, हाँ हो गया चलिए ना छोड़िए जी। कैसे यार बोलते रह गए नीतीश कुमार, बैठिए ना आप, बैठते क्यों नहीं, मगर नीतीश बैठते ही नहीं थे। कैसे यार नीतीश का हाथ पकड़ते रह गए, मगर फिर भी नीतीश कुमार नहीं बैठे। मैंने बता दिया, मैंने उनका नाम लिया तो नीतीश बोलते हैं आप उठिए ना, छोड़िए छोड़िए इन लोगों को, अब चलिए रे झूठ मूठ किया। तेजस्वी भी ताकते रह गए, ये क्या हो रहा है। जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा सवाल पत्रकारों ने पूछ लिया कि नीतीश खड़े हो गए, केसीआर मौन हो गए और नीतीश केसीआर को बार बार बोलने लगे आप उठिए ना। अब चलिए रे झूठ मूठ किया। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी कहानी है क्या और इस वीडियो की दास्तान क्या है। दरअसल एनडीए को छोड़ने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कवायदों में जुटे हैं। सपना प्रधानमंत्री बनने का है। उधर तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को देख सीएम केसीआर भी पिछले कुछ वक्त से विपक्षी एकजुटता का राग अलाप रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के नेता माहौल बना रहे थे, तभी केसीआर बिहार यात्रा पर नीतीश से मुलाकात करते हैं। दोनों की मुलाकात हुई पटना में। नीतीश और केसीआर ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। जब पीएम के चेहरे को लेकर केसीआर से सवाल पूछा तो नीतीश रूठ गए। केसीआर इससे पहले जवाब देते नीतीश कुर्सी से खड़े हो गए। इसी दौरान कभी केसीआर नीतीश का कुर्ता खींचते तो कभी हाथ पकड़ने की कोशिश करते, उन्हें बैठने को कहते। ये सब विपक्ष का चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल के बाद हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इतने ड्रामे के बाद भी केसीआर ने नीतीश के मन की बात को नहीं कहा। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा, बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ, अब चलिए मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं, हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। वाजिब है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो लगे हाथ एक पत्रकार ने सवाल पूछ ही लिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी और क्या राहुल गांधी विपक्ष के उम्मीदवार रहेंगे। इस पर नीतीश कुमार बोले, ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो। वहीं केसीआर जैसे ही इस सवाल का जवाब देने लगे नीतीश कुमार उठकर खड़े हो गए और तेलंगाना के सीएम को कहने लगे, उठिए चलिए ना, इनके चक्कर में काहे पड़े हैं। इस बात पर वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे। बाद में बिहार के सीएम भी हंसने लगे और कुर्सी से खड़े हो गए। अब बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। तेजेंद्र सिंह बग्गा ने यह वीडियो शेयर किया और शेयर करते हुए लिखा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी सीएम का ऐसा अपमान होते नहीं देखा, केसीआर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब जिस तरह से बीजेपी के नेता केसीआर के साथ इस व्यवहार को अपमानित बता रहे हैं, इससे क्या केसीआर के मन में कोई नाराजगी होगी या फिर केसीआर इसे अनसुना कर 2024 के मिशन में जुट जाएंगे। खैर ये सियासत है, इसके कई रंग है और उन्हीं रंगों में से एक रंग ये भी है। यहाँ रूठना मनाना और फिर रूठ जाना सियासत का सच है और दस्तूर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।